इस चैनल पे आपको बोर्ड से संबंधित सब कुछ मिलेगा, क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स और स्टडी नोट्स, हैंड नोट्स, सब कुछ, जिसकी मदद से आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ यार यहाँ पे लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करो और उस बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, जिसकी मदद से आपको मेरी आने वाली सभी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 बायोलॉजी के आनुवंशिकता पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रश्न बताऊंगा और साथ में आपको आंसर भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, क्या इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कहां पे मिलेंगे। तो प्लीज यार वीडियो अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही सभी चैप्टर्स की वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, वंशागत की आनुवंशिक इकाई है। आपको बताना है वंशागति गति की आनुवंशिक इकाई है। तो आपको पता होगा इसकी आनुवंशिक इकाई जीन होती है, जीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। तो आपको पता होगा हेलोंड्रिक जीन वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। तो आपको पता होगा प्रत्येक संतान के 50% जीन्स माता से तथा 50% जीन्स पिता से, तो इसका आंसर हो जाएगा 50% जीन्स। तो ये थे तीन प्रश्न जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी में है। पहला था वंशागति की अनुवंशिकता इकाई जीन होती है, हेलोंड्रिक जीन किस क्रोमोजोम पर स्थित होते हैं, तो वाई क्रोमोजोम पे, और संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं, 50%। अब आते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरी प्रश्न पे, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट करिए। आपको बताता है कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में, तो आपको पता होगा जीवों की आकारिकी में अंतर विभिन्नता कहलाती है और आनुवंशिकता लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवंशिकता कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर पूर्वज सकरण एवं परिच्छेद सकरण में क्या अंतर आपको बताना है। इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो इसमें पता होगा कि संकरण शुद्ध जनक से करा, इसमें संकर पूर्वज में संकरण शुद्ध जनक से कराते हैं और परिच्छेद सकरण में इसमें संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु में है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखे। तो पता होगा मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था, जिसमें जैसे तने की लंबाई, पुष्प का रंग, इस टाइप के। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु। मैंने अभी बता दिया आपको बहुविकल्पी, अति लघु। अब आते हैं लघु उत्तरी। आपको लघु उत्तरी के प्रश्न कहाँ मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी क्वेश्चन के आंसर के पीडीएफ का लिंक दिया, वहां से जाकर आप सभी लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी का आंसर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समयुग्मजमी तथा विषम युग्मजमी से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है समयुग्मजमी तथा विषम युग्मजमी से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। आपको इन दोनों में विभेद करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीना प्रारूप तथा दृश्य पारस पर टिप्पणी कीजिए। आपको इस पर टिप्पणी करना है, जीना प्रारूप तथा दृश्य पारस पर टिप्पणी करना है। फोर्थ क्वेश्चन, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इस पे आता ही है इस चैप्टर से, कुछ मनुष्यों में चोट लगने के बाद खून लगातार बहता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता होगा चोट लगने के बाद खून का लगातार बहते रहना हीमोफीलिया रोग के कारण होता है। तो इस रंग से ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता या बहुत देर से बनता, लगातार रुधिर बनने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसके कारण रुधिर में स्कंदन कारक V8 का अभाव होता है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको निश्चित आना है, कुछ मनुष्यों में चोट लगने के बाद खून लगातार बहता है, कारण वाला आंसर इस चैप्टर से एक आएगा, कि ऐसी हो रहा है। फिर आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अभी एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य, इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र वर्णन कीजिए। आपको बताना है मानव के लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य, इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र वर्णन कीजिए। फिर आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी में, जो 5 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। तो पहला, इस सभी क्वेश्चंस का आंसर जो दीर्घ उत्तरी का है और लघु उत्तरी का, इनका मैंने पीडीएफ में लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दीर्घ उत्तरी में जो पहला क्वेश्चन है, द्विशंकर क्रास पर आधारित मेंडल के वंशागतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आपको द्विशंकर क्रास पर आधारित मेंडल के वंशागतिक सिद्धांत की आपको पूरा बताना है कि इनका सिद्धांत क्या था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संलग्न जीन लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं। मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको रेखा चित्र बनाकर इसको प्रदर्शित करना है। इसका आंसर मैंने पीडीएफ में दे दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं सर कैसे रेखा चित्र बनाकर इसको करते हैं। तो चाहिए जान लेते हैं फिर आज की वीडियो में आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बहुविकल्पी बताया,
वंशागति की अनुवंशिक इकाई जीन होती है। हेलोन्ड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? तो वाई। और संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? 50% माता से, 50% पिता से। तो ये था इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी, अति लघु, लघुत्री, दीर्घुत्री। ऐसे ही मैंने और भी तीन चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिए, आप बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ही सभी चैप्टर्स और सभी विषय के वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।